हेलो दोस्तों, मैं हूं चिन्मय और मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वो तीन चीज़ें क्या है जो आपको अपनी डेली डाइट पे इंक्लूड करनी है। अगर वो तीन चीज़ें आप डेली बेसिस पे खाते हो तो आपको अपनी वेट गेन प्रोसेस में एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वेट गेन करने के लिए ये जो तीन चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको वेट गेन कैसे करना है अगर आप स्किनी हो तो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आपको वेट गेन करना है, क्योंकि आपको सही से पता लग जाएगा कि वो स्टेप्स क्या है वेट गेन करने के लिए, वो जो स्टेप्स हैं, जो तरीके हैं वो क्या है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए। और ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोज के लिए एमआरजी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें। नहीं नहीं नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेलकम टू एमआरजी यूनिवर्स। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है केला। बहुत इंपॉर्टेंट है वेट गेन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक हाई कैलोरी फूड होता है। मतलब एक मीडियम साइज के केले में आपको 105 अप्रॉक्स कैलोरीज मिल जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, एक केले में आपको 105 कैलोरीज, समझ रहे हो आप। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि 3-4 केले डेली बेसिस पे आप जरूर खाइए। आपको 3-4 केले मार्केट में 10-15 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर पे अंडा। आपने देखा होगा हर कोई खाता है अंडा। बॉडी बिल्डिंग करने के लिए अंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्स होता है प्रोटीन की। अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ये लेनी चाहिए, मतलब अंडा लेनी चाहिए। आप डेली 2-3 अंडे जरूर खाएं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अगर मिनिमम बताऊँ तो आपको 2-3 अंडे जरूर खाने हैं। और इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में बात करूं तो एक मीडियम साइज के अंडे में आपको 6 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट्स और 78 कैलोरीज मिल जाएंगे। मतलब देख रहे हो, एक अंडे में आपको 78 कैलोरीज मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। मतलब भाई, अगर आप 2-3 अंडे डेली खा रहे हो तो आपको 225 के आसपास कैलोरीज मिल जाएंगे। तो थर्ड नंबर पे है पीनट बटर। बहुत बेहतरीन सोर्स होता है। आपने सुना होगा या फिर देखा होगा, जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है वो पीनट बटर जरूर इंटेक करता है, क्योंकि वो एक हाई कैलोरी सोर्स होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर वेट गेन के लिए। जो भी करो, अगर आप एक चम्मच पीनट बटर खाते हो तो 50% आपको गुड फैट्स मिल जाएंगे, और फैट्स में आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलते हैं। अच्छा वाला पीनट बटर आपको 300-400 के अंदर मिल जाएगा, एक किलोग्राम का, जो आपकी एक महीने के लिए चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पीनट बटर जरूर लें, क्योंकि वो एक मतलब बेहतरीन सोर्स होता है कैलोरीज लेने का, मतलब कैलोरीज इंटेक करने का बेहतरीन सोर्स है। मतलब एक चम्मच पीनट बटर में आपको अप्रोक्स 180 के कैलोरीज मिल जाएंगे, 180 के आसपास। अगर आप नहीं ले सकते पीनट बटर, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप पीनट्स को सब्स्टिट्यूट बना लीजिए, क्योंकि पीनट्स 100 ग्राम पीनट्स में आपको 560 कैलोरीज के आसपास मिलेंगे और 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर आप पीनट बटर नहीं ले सकते तो पीनट्स जरूर लें। ये था हमारा 3 इंपॉर्टेंट फूड जो कि आप की बल्किंग प्रोसेस को, मतलब वेट गेन प्रोसेस को बूस्ट कराएगा। तो मैं ये नहीं कराऊंगा आपको कुछ नहीं खाना है, आपको सब कुछ खाना है, जो मिले वो खाओ, मतलब दबा के खाओ, सिर्फ बैड फैट्स वगैरह वो स्पाइसी फूड वगैरह छोड़ के सब कुछ खाओ, जो मिले वो खाओ, दबा के खाओ, उल्टी होने तक खाओ। मैं अभी भी खाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको खाना पड़ेगा ना। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो एक मेन फॉर्मूला है, ईट मोर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे बहुत सारे हेल्पफुल कॉन्टेंट्स आपके लिए बना पाऊँ। तो ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।